कल मणिपुर से एक वीडियो पूरे देश के सामने आया है। ये वीडियो ना सिर्फ दर्दनाक है, ना सिर्फ विभत्स है, बल्कि दिल को दहला देने वाला है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से दो महिलाओं के सारे कपड़े उतार कर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है शायद इंसान जानवरों के साथ भी ना करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक 3 मई से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई, आज तक जब तक ये वीडियो पूरे देश के सामने नहीं आया, मणिपुर में हो रही ये हत्याएं, मणिपुर में हो रही हिंसा, मणिपुर में हो रहे बलात्कारों पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जो दो महिलाओं का वीडियो सामने आया, उसमें से एक महिला ने बताया, वहां के लोकल मीडिया को बताया कि जब वहां पे हिंसा हुई, जब उसके परिवार वालों को मारा गया, जब उसको बिना कपड़ों के घसीटा गया, उसके साथ हिंसा हुई, बलात्कार हुआ, पुलिस वहां पे मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आप इन महिलाओं को क्या जवाब देंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं कि आप इन दो महिलाओं को क्या जवाब देंगे। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहती हूं कि इन दो महिलाओं को और देश की हर महिला को आप क्या जवाब देंगे। मणिपुर में 3 मई से ऐसी हिंसा चल रही है, वहां पर मारकाट, हिंसा, लोगों पर गोलियां चलाना, उनके गले काटना, महिलाओं का बलात्कार करना, ये सब 3 मई से चल रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 मई से क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 मई से दुनिया का दौरा कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा था, लेकिन 19 मई को प्रधानमंत्री जी जापान गए। मणिपुर जलता रहा, महिलाओं का बलात्कार होता रहा, लेकिन 21 मई को प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी गए, क्योंकि वहां की समस्याएं सुलझाना तो मणिपुर से ज्यादा जरूरी है। 22 मई को प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए, 20 जून को अमेरिका गए, 24 जून को इजिप्ट गए, 13 जुलाई को फ्रांस गए, 15 जुलाई को यूएई गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिल रहा। यहां तक कि मणिपुर से एक आया हुआ डेलीगेशन 10 दिन तक प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार करता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए और प्रधानमंत्री जी मणिपुर से आई उस डेलीगेशन से मिले भी नहीं। मैं आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगर आज इस देश की बेटियों के साथ हिंसा हो रही है, अगर देश की बेटियों के साथ ऐसे दिल को दहलाने वाली हिंसा हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, क्या कर रहे थे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह? क्यों मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया? क्यों प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं गए? क्यों प्रधानमंत्री जब 3 मई से मणिपुर जल रहा है, तब से 8 देशों का दौरा लगाने का उनको समय मिल गया, लेकिन मणिपुर जाने का उनको समय नहीं मिला? शायद इसका यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महिलाओं के साथ हिंसा से क्या फर्क पड़ता है, महिलाओं के साथ बलात्कार से क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो खुद ही अपनी पार्टियों में बलात्कारियों की इतनी लंबी लिस्ट है।
चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो गुजरात के मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मंत्री अर्जुन सिंह चौहान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता किशन राय का बेटा ध्रुव राय हो, या वो अभी न्यूज में रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, या वो शांतिलाल सोलंकी हो, भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेके नीचे तक महिलाओं से हिंसा करने वाले, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले और महिलाओं का बलात्कार करने वाले नेता भरे हुए हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मणिपुर की बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। आज कह रहे हैं कि हम उन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन जब एक महीने से मणिपुर की मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रही थी कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, तो कहां थी मणिपुर की सरकार? कहां थे देश के गृह मंत्री अमित शाह? कहां थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज देश की बेटियों की तरफ से, देश की महिलाओं की तरफ से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूंगी कि आपको देश की बेटियों को जवाब देना होगा, मणिपुर की बेटियों को जवाब देना होगा। इस हिंसा के लिए, इस दर्दनाक घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। बीती रात उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये घटना 4 मई की है। एक महीने से ज्यादा तो FIR रजिस्टर हो गया है। मणिपुर के लोकल अखबारों में ये रेप बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ है और लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया है, तब अरेस्ट किया है एक परपेट्रेटर को। इसका मतलब है कि सरकार को पता है कि ये हिंसा कौन कर रहा है, सरकार को पता है ये बलात्कार कौन कर रहा है, क्योंकि उनको 24 घंटे लगे अरेस्ट करने में। अगर वो चाहते, इसका मतलब साफ ये निकल कर आता है कि अगर मणिपुर की सरकार, अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते कि मणिपुर में हिंसा रुक जाए, मणिपुर में बलात्कार रुक जाए, तो वो इसे कई महीने पहले रोक सकते। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।